Hello students, welcome to Ashrami Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we'll continue our chapter number 11, The United Nation. The formation of United Nation and their objectives we have to be discussed in the previous lecture. Today we are going to discuss about the General Assembly. In the United Nation, there is meeting of General Assembly should be held. तो ये जो General Assembly है उसके अंदर कौन से decisions लिए जाते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो The General Assembly is the biggest organ of the United Nation. सबसे बड़ा organ जो है वो United Nation का General Assembly है. United Nation के जो organs है उसके बारे में हम लोगों ने last previous lecture के अंदर discuss किया था. Which can also be called as the World Parliament. जैसे हमारी parliament होती है national, उसी तरह General Assembly को World Parliament के नाम से जाना जाता है. The representative of the member nation attend it. और ये जो पार्लियामेंट है जिसके अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव नेशंस है जो नेशंस है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये पार्लियामेंट को अटेंड करते हैं. एवरी मेंबर्स नेशन कैन सेंड एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेटिव्स या डेलीगेट्स टू इट. हर एक नेशन ईच नेशन जो मेंबरशिप में है तो एवरी नेशन जिसके अंदर से एटलीस्ट यानी मिनिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पे मेंबरशिप में यानी कि ये पार्लियामेंट को अटेंड कर सकता है. बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग वन नेशन कैन कास्ट ओनली वन वोट. लेकिन जब वोटिंग के समय ऐसा हो सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है 5 जाएंगे लेकिन अगर कोई डिसीजन ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे जो है वोटिंग के द्वारा ये डिसीजन लेना है तो दैट टाइम Only one nation have to put only a one vote. The general meeting is held once in a year. Its member elect the president and the vice president of the meeting every year. Every year जो meeting होती है जिसके अंदर ये जो world parliament है यानी general assembly के जो president और vice president की जो है नियुक्ति होती है. Mrs. Vijayalakshmi Pandit was elected as the president of the general meeting in the year 1953-54. मिसिस विजयालक्ष्मी पंडित वो जो जनरल असेंबली के सबसे पहले प्रेसिडेंट रहे थे. द असेंबली प्रेजेंटेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948 सेंचुरी. और उनके द्वारा जो है 10 दिसंबर 1948 में ह्यूमन राइट्स की डेलीगेशन में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था. आफ्टरवर्ड्स The General Assembly can discuss and suggest solution or give advice to any issue in the world within the limits prescribed in the Charter of the United Nations. Charter मतलब constitutions. जो preamble बनाया जाता है उसी तरह charter जो agreement किया जाता है. तो ये जो charter है जिसके अंदर कोई भी डिस्कस या डेलीगेशन से जिसके ऊपर डिस्कस करके सजेस्ट करके सॉल्यूशन और एडवाइस जो है दिए जाती है. लिमिट प्रिस्क्राइब यानी कि उसकी जो लिमिट्स है वो भी तय की जाती है. द जनरल असेंबली इमीडिएटली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टूवर्ड्स एनी सॉल्यूशन विच कैन पुट द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड इन डेंजर. जनरल असेंबली के अंदर जो भी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो अटेंशन दिया जाता है जिसके अंदर मोस्टली पीस और सिक्योरिटी जो है दैट शुड बी क्रिएट अ बैलेंस. द अथॉरिटी टू ग्रांट मेंबरशिप टू अ नेशन लाइज विद द जनरल असेंबली. जनरल असेंबली की जो अथॉरिटी है दैट शुड बी अ ग्रांट विद द मेंबरशिप ऑफ नेशन. एवरी नेशन शुड बी देयर अ मेंबरशिप ऑफ इट. Now the next one is there, the Security Council. The next organ is there, the Security Council. It is the most important organ of the United Nations. It has 15 members. Out of these 15 members, 5 countries, for example, US, Britain, France, Russia and China are the permanent members. United Nations ke andar total 15 members hote hai. Ye jo 15 members hai, jiske andar 5 countries aise hai, jaise jisme USA, Britain, France, Russia and China that are a permanent members. The other 10 members are elected from a term of 2 years by the General Assembly. 2 years ke time panel mein
टाइम पेनर में टेनर के समय के दौरान जो है ये बाकी के मेंबर को जो है चुना जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल एंजॉय ट्रिमेंडियस पावर टू मैनेज पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर विश्व और शांति सलामती बनाए रखने की जो पावरशिप है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये पावर जो है पूरी तरह एंजॉय किया जाता है। इट्स एम इज़ टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन नेशनल्स डिप्लोमेटिकली एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसका मेन पर्पस ये है कि कोई दो नेशन के बीच में कोई भी इशू है तो डिप्लोमेटिक वे से उसको सॉल्व किया जाए। द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज नोन एज सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन के जो हेड है उनको सेक्रेटरी जनरल के नाम से जाना जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाई द जनरल असेंबली एट द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ही वर्क्स एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द UN। वो जो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, UN के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे जो है वर्क करते हैं, है ना। ये जो जनरल असेंबली या जो सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें जो मेंबरशिप है वहाँ पे वीटो पावर भी यूज किया जाता है। तो व्हाट इज मीन बाय वीटो, तो द वीटो पावर और राइट टू डेनी इज अ नेगेटिव वॉट कास्ट अगेंस्ट अ प्रपोजल इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जैसे हम लोग ने आगे डिस्कस किया कि कोई भी डिस्प्यूट्स या कोई प्रॉब्लम है उसके मीन वाइल अगर वोटिंग करना है तो जो भी मेंबर नेशन को नेशन जो है वो वोटिंग करेगा जिसके अंदर ये वीटो पावर ये है कि ये एक नेगेटिव वोट है। नेगेटिव मतलब वो नहीं तो जो भी डिस्प्यूट्स है कोई भी दो नेशन के बीच में तो ना वो एक्स को वोट देगा ना वाई को, दैट इज़ अ नेगेटिव वोट। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू एग्री ओवर एन डिसीजन। और ये जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स ब्रिटेन, USA, फ्रांस, रशिया और चाइना उनको फॉलो करना है। द रिसोल्यूशन डजंट पास इफ एनी ऑफ द 5 मेंबर्स यूज वीटो। रिसोल्यूशंस जो है अगर मानो कि कोई केस के अंदर ऐसा हो सकता है तो कोई भी ये 5 नेशन में से अगर मानो कि वीटो पावर जो है अगर यूज करता है तो ये रिसोल्यूशन जो है वो जनरल असेंबली के अंदर पास किया नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू फॉस्टर सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड हेल्प देम इन इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाई जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सबसे मेन जो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स है जिसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली उनका जो वेलफेयर है दैट शुड बी बिकम अ इम्प्रूवर्ड एंड दैट इज वाई दे हैव टू बी ट्राई टू गिव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल सो दैट दे हैव टू बी फुलफिल द एम्प्लॉयमेंट। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू वर्क इन अ स्पेशल फिक एरियाज अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और इसके लिए जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में रह के वर्क करती है। हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंडर में जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो तो नेम ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज WHO। उसका जो हेडक्वार्टर है दैट शुड बी अलाइज इन टू जिनेवा। अब मेन फंक्शंस क्या है यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, तो मेक्स एफर्ट टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व की जो लोग है उसको फिजिकली और मेंटली उनका हेल्थ जो है अच्छा रहे ये एफर्ट उसके लिए जो प्रयास है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में दिया जाता है। नेक्स्ट वन दिस यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ अ यूनेस्को। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर्स है दैट शुड बी अलाइज इन टू अ पेरिस टू कॉन्ट्रीब्यूट अ पीस एंड सिक्योरिटी बाई प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलाबोरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर इन ऑर्डर ऑफ फर्दर यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर अ जस्टिस द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। तो यूनाइटेड यानी यूनेस्को के द्वारा जो एजुकेशनल, साइंस और कल्चरल से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए यानी कि कोई कोलेबोरेशन जैसे कि कोई रिवॉर्ड मिलता है या कुछ आगे
जैसे देश को सम्मान देने की बात है, तो ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखने का काम जो है कल्चरल यानी कल्चरल एक्टिविटी से जो जुड़ा हुआ है, तो जो है उसको यूनेस्को कहा जाता है। यानी यूनेस्को का मेन काम क्या है कि किसी भी देश के जो पीस और सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करना, इसके अलावा उसके कोलेबोरेशन करना कि वो एजुकेशन में आगे बढ़े, साइंस में आगे बढ़े, कल्चरल आगे बढ़े, बराबर। जैसे रूल और रेगुलेशन में वो जो है उसको मेंटेन करने का काम भी जो है यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ इलो, शॉर्ट फॉर्म इज इलो, इट्स हेड क्वार्टर इज ऑल्सो लाइज इन टू जिनेवा, टू प्रमोट राइट्स एट वर्क, एनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनहेंस सोशल प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथन डायलॉग्स ऑन द वर्क रिलेटेड इश्यूज। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है कि जो राइट्स एट वर्क, काम करने की जो राइट्स है वो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लेबर से जुड़ी हुई, और सोशल प्रोटेक्शन के उनको एक्सप्लॉइट कहीं ना ही किया जाए। तो ये वर्क रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे देखने का काम इलो का है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, अभी प्रेजेंटली ये जो है वो यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड्स के नाम से जाना जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ। इट्स हेडक्वार्टर इज राइट इन टू न्यूयॉर्क। अभी ये चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन से यानी इंटरनेशनल लेवल पे चिल्ड्रन से रिलेटेड जो फंड है, तो ये जो ज़रूरी है कि बच्चों की हेल्थ, इवन एक्चुअली उन लोगों का टोटल जो है वो प्रोग्रेस हो, ये देखने का काम यूनिसेफ का है। टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एसोसिएट असिस्टेंट टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू गेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड न्यूट्रिशन फूड एंड ऑर्गेनाइज चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोग्राम्स। जो भी बच्चे हैं उनको फिजिकली, ह्यूमैनिटरी और डेवलपमेंटली पूरी पूरी तरह उनका डेवलपमेंट हो, ये देखने का काम। उसके अलावा जो मदर्स हैं तो ये मदर्स के लिए भी न्यूट्रिशन वाला फूड, अच्छा फूड, स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो देखने का काम है वो यूनिसेफ का है। आगे बढ़ते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ फाओ शॉर्ट फॉर्म, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। To ensure that people get a regular supply of enough and high quality of food. इसका जो ऑब्जेक्टिव है यानी उसका जो काम है वो कि हमेशा लोगों को हेल्दी और न्यूट्रिशन फूड जो है समय पर मिलता रहे। एंड टू प्रमोट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के स्कोप को भी आगे बढ़ाने का काम जो है वो फाओ के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ अ WB या फिर IBRD, इंटरनेशनल बैंक रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD के नाम से जाना जाता है। उसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में आया हुआ है। इसके मेन फंक्शंस अगर देखेंगे तो टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स एंड ग्रांट टू द डेवलपिंग कंट्रीज में लो इंटरेस्ट पे जो है वो लोन प्रोवाइड करने का, क्रेडिट्स प्रोवाइड करने का। दिस सपोर्ट अ वाइड एरे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच एरियाज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ों देखने का काम जो है वो IBRD के द्वारा किया जाता है कि जिसके द्वारा मतलब मैक्सिमम लोगों को जो है फाइनेंशियल हेल्प करके उन लोगों के इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंशियल हेल्प करके उन लोगों का जो स्टैंडर्ड भी है यानी जो नेसेसरी चीज़ है वो उनको प्रोवाइड की जाए और उनको डेवलप किया जाए। इसके अलावा भारत एग्रीकल्चर के जो स्कोप है वो बढ़ाया जाए, एनवायरमेंटल और नेचर को भी जो है रिसोर्स जो है उसको भी संभाला जाए। दिस ऑल हैव टू बी कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सारे प्रयास जो है हाथ लिए जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो लोगोस दिए हैं उसके जो नाम हैं आप लोगों को करना है, तो आप लोगों को जैसे हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था, दैट इज़ अ यूनिसेफ, दिस इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, दैट इज इलो, दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, तो यूनिसेफ, दिस इज अ सिंबल ऑफ UN, इट इज द WHO,
दिस इज़ अ यूनेस्को दैट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो, दिस इज़ फ्रॉम रिलेटेड टू इलो जो लेबर वर्क से जुड़ा हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम यूनिसेफ, यूनिसेफ दिस इज द ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड फॉर द चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, दिस इज़ अ फाओ द रिलेटेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर, इट शुड बी अ वर्क फॉर द एक्सटेंडिंग एग्रीकल्चर एंड गेट एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, दैट इज अ वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू बी और आई बी आर डी एंड दिस इज अ यूनिडो, दैट इज सेम एज अ सिमिलर एज अ यू एन. तो दिस ऑल आर द सिम्बल ऑफ द different organizations that are work under the UN. Thank you.